देख रहे हो क्या लोकेशन है भाई एकदम। भाई समुद्र देखा पहली बार सी। हाँ रसम रसम क्या कुट कुट कुट। गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम चेन्नई। फाइनली यार हम लोग चेन्नई पहुंच गए। रात में यार अपने पहुंचते पहुंचते बज गए थे 11। फिर हम लोग यार रूम ढूंढे, रूम यार कोई रूम कायदे का है ही नहीं, और जो अच्छे रूम 1500-2000 पर डे के हिसाब से तो रूम ढूंढे तो भाई कोई रूम मिला नहीं। एक था अपना गेस्ट हाउस करके, वहाँ अपने 800 लिया एक रात का, उसको दिए वहाँ रुक गए। फिर सुबह उठे अपना ओपन किए ओयो, ओयो खोलने के बाद ओयो हमने किया बुकिंग होटल जी सिल्वा करके होटल लिए। यहाँ पे आए हैं, ये अपना होटल है। यहाँ पे आने में कोई दिक्कत नहीं हुई है, ये अपना नॉर्मल सा रूम हो गया। इधर भाई ने तो एसी मिल गई, इधर सामने तुम्हारा भाई खड़ा है विंडो, और ये है कुछ बाथरूम, अच्छा है ठीक है। तो गाइस फाइनली मैं और राहुल तैयार है घूमने के लिए चेन्नई। तो चलिए अब मैं चलता हूँ मरीना बीच पे, वहाँ दिखाता हूँ क्या सीन है कैसा है, और खुद भी घूमता है। फर्स्ट टाइम मैं कोई बीच देख रहा हूँ अपने सामने से, आज तक मैं कभी देखा नहीं बीच बीच यार। गाइस यहाँ अन्ना और अम्मा करते करते एकदम हो चुका है दिमाग का अन्ना, देखा देखो अम्मा चाहे अन्ना, अम्मा अम्मा अन्ना कन्फ्यूज हो रहे हैं क्या बोल रहे हैं। अभी यहाँ हम लोग रुके हैं आनंद भवन होटल है, यहाँ रुके हुए हैं। यहाँ आप लोग ऑर्डर किए पहले चाय, चाय के बाद अपने रहे दो थाली, वेज थाली है इसमें अपना सांभर इडली डोसा ये मिलेगा भाई साहब यहाँ पर। हाँ रात में हम लोग खाना खाए थे इडली डोसा खाए थे, बहुत टेस्टी था यार। मतलब साउथ का फूड साउथ में अच्छा मिलता है, इन कंपेरिजन टू नॉर्थ साउथ में काफ़ी अच्छा मिलता है। थाली आती है आपको दिखाते, पहले चाय आएगी मैं दिखाऊँगा चाय किस रूप में आता है आपको दिखाऊँगा अभी देखिए। गाइस साउथ में अपने को ऐसे चाय मिलती है, देख रहे हैं ओ, बहुत गर्म है यार, अरे बाप रे बाप। तो ऐसे चाय मिलती है, एक छोटी सी कटोरी, कटोरी के अंदर छोटी ग्लास, कटोरी में हल्की चाय है, ये ग्लास है। ये अपना खाना आ गया दो थाली, ये अपनी थाली पड़ी है 100 रुपये की, अफोर्डेबल प्राइस है यार ये 100 रुपये में आपको इतना खाना हो जाएगा ना, अपना पेट पूरा एकदम भरने वाला कन्फर्म है। तो राहुल अपना चाय में ध्यान दिया है, हम भी अपना है। तो चलिए अरे पहले चाय पीते हैं फिर खाना खाते हैं, यहाँ निकलते हैं बीच पे। आज मैं बहुत मैं आपको बीच मिलूंगा पर भूख लगी थी यार, तो चाय पीते हैं खाना खाते हैं फिर निकलते हैं आज बीच पे। गाइस जो ये चाय है इसको पीने का अपना एक अलग तरीका होता है, इसको डालेंगे इसके अंदर, अभी इसमें चीनी पड़ी है नीचे, वो चीनी अभी तक घुली नहीं है, इसमें इसमें डालेंगे फिर इसमें करके इसको चीनी को मिलते हुए वो देख रहे हैं इस तरीके से। करो राहुल कैसे होगी, नीचे चीनी पड़ी है यार, हाँ ना व्हाट इज इट, सांभर है, हाँ रसम कुट क्या कुट कोरियल कोरियल मोर कोलंबो बटर मिल्क ओके। हाउ टू ईट ऑल दिस, मतलब हाउ टू ईट Everything is to be mixed in rice, then separate. Okay. भाई तुम मिले थे वीआईपी सर्विस। अन्ना नेम मणिकंदन ओहो यूनिक साउथ मूवीज नहीं होते नेम। अगर ट्रेडिशन है यहाँ पे आपको खाने हमेशा आपको मिलेंगे केले के पत्ते में, सांभर हमेशा आपको केले के पत्ते में खाने मिलेंगे यहाँ पे। आप पूरी चेन्नई आप जहाँ भी खाना खाएंगे हर जगह आप खाने लोग केले के पत्ते में ही देंगे। थैंक यू सो मच अन्ना, थैंक यू सो मच गाइस। इतना खाना
लगा था देख के यार कि पेट हमारा नहीं भरेगा, पेट फुल नहीं होगा, पर अभी कम से कम 1, 2, 3, 4 आइटम बचे हुए हैं, बट पेट भर चुका है यार। बस खा रहे हैं, ख़त्म करना है बस यार, टेस्टी खाना है यार, कहाँ टेस्टी है। गाइस इतना खाना ख़त्म करने हालत ख़राब हो गई यार, पर फाइनली सब कुछ ख़त्म हो गया और सही बता रहे हैं यार, खाना बहुत टेस्टी था। तो राहुल अच्छा था खाना? मेरा भी चल रहा है भाई। अरे तेरा बचा हुआ है, पापड़ बचा है और मट्ठा बचा हुआ है, ज़्यादा हो गया भाई ना, और खाना एसिड भी हो गया है। गाइस आनंद भवन करके रेस्टोरेंट है, वेज रेस्टोरेंट है, नॉन वेज का तो हट गया है, तो यहाँ मैं खाना खाया यार। अब लगाते हैं इस पर अपना मैप की लोकेशन, अरे बीच की, और निकलते हैं बीच पे। अब गाइस अब आपको चेन्नई का पूरा मज़ा मिलेगा यहाँ से, ये देखिए, ये देखो भाई साहब, ये नदी है जो जा कभी समुद्र में मिलेगी, देख रहे हो क्या लोकेशन है भाई एकदम, अबे वाइट वाइट ब्लैक वाइट मिक्सचर एकदम। गैस ये अपना पोर्ट ऑफ चेन्नई जहाँ पे अपना शिप वो पूरा काम होता है, ट्राई करेंगे इसको दिखाने का आपको। ये देखिए तमिलनाडु लेजिस्लेटिव असेंबली डायमंड जुबली। गैस अपने राइट साइड में यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के सामने दिख रहा है आपको, वो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास है। अपने इस टाइप में वरुणा सली, ये कुछ अपना वरुणा सली इंडियन नेवी का है, ये दोबारा ये वाला पुल आ गया जो आपको कंफ्यूज कर देगा, देख रहे हो ये अपना एंट्री है गाइस ये बीच के लिए। तो गाइस अपना मरीना बीच आ चुके हैं, जा रहे सामने करने चीज़ों का एक्सप्लोर, अभी तो इतना कुछ पार्किंग गाड़ी लगा दी है यहाँ, पार्किंग गाड़ी लगाने में यहाँ से आगे निकलेंगे, तो सीधे चले पड़े यार हम लोग। गाइस ये कुछ तो है बट इसका इंग्लिश में नाम नहीं लिखा, तमिल में लिखा हुआ, तमिल में क्या लिखा कुछ समझ में नहीं आ रहा अपने को, कुछ तो है। सामने यूनिवर्सिटी है। तो गाइस हम लोग जहाँ पे आए हैं वो जो तमिलनाडु के सीएम थे एक्स सीएम एमजीआर और बगल में है जय ललिता। ये हैं अपनी जयललिता एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, और ये हैं एक्स चीफ मिनिस्टर एमजीआर, और जयललिता की इन्हीं की पार्टी से थी, इनके बाद ये सीएम बनी थी। गाइस तभी हम लोग जा रहे हैं बर्निंग फ्लेम, जो कि यहाँ पे एक मशाल है जो काफ़ी सालों से जल रही है और अभी तक वो बुझी नहीं है। ये अपना लोकेशन है, इसके अंदर जो फ्लेम है कहाँ जल रही है ये रही गाइस, ये फ्लेम जो है ये आज तक नहीं बुझी है। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, वाओ। आप आइए जी का
गैस इनको भारत रत्न भी मिला हुआ है यार, इन साइड में लिखा हुआ है भारत रत्न MGR। इनको गैस तमिलनाडु में लोग उनको पूछते हैं, भगवान मानते हैं। देख रहे हैं आप लोग, इनके आगे लोग आके मत्था टेक रहे हैं, और सामने है जयललिता का। So guys, अगर आपको MGR और जय ललिता के बारे में अच्छी से बायोपिक देखनी है ना, तो अपने बॉलीवुड में एक मूवी है तलाइवी, और साउथ में है क्वीन करके सीरीज है, तो इन दोनों को आप देखेंगे तो आप जान जाएंगे कि इनकी हिस्ट्री क्या है। तमिलनाडु में लोग इनको इतना क्यों पूछते हैं ये आप जान जाएंगे जब आप उस सीरीज और मूवी देखेंगे तो। और यार यहाँ मैं देख रहा हूँ ना, बड़े तो बड़े बच्चे भी इनको फूल चढ़ा रहे, इनके सर माथा टेक रहे, चप्पल निकाल लो उन लोग इनको, इनका जो है ना ग्रेव उस पर लोग पूछ रहे हैं, उनको टच कर रहे हैं चप्पल उतार के। ये सीन है आगे लोग मतलब कि चेन्नई में लोग इनको इतना मानते हैं। यही है, अब यहाँ से हम लोग निकल रहे हैं कि सामने था जहाँ हम लोग घूमे हैं पूरा पूरा। गाइस यूट्यूब हिस्ट्री में पहली बार कोई बंदा साउथ से है ना, यूट्यूब हिस्ट्री में पहली बार कोई बंदा नॉर्थ साइड से साउथ में आया है वी बाय बाइक। नहीं कोई नहीं आया, मैं वीडियो चेक किया, मैं बहुत देखा हूँ, कोई भी नहीं आया। खुद बहुत देखा हूँ। क्या बोले? मैं बहुत देखा हूँ, हमको माफ करें, हम उनसे देखे नहीं हम। अभी हम लोग जा रहे हैं यार बीच पे, अब ये कट करेगा, हम लोग आज बीच पे जा रहे हैं। गाइस फाइनली यार तुम लोग का भाई समुद्र देखा पहली बार, सी फर्स्ट टाइम इन द लाइफ, देख रहे हो। जैसे ये बीच है ना, ये समुद्र, ये मैं लाइफ में पहली बार में सामने से देख रहा हूँ लाइफ में। हमेशा मूवीज में, वीडियोस में, रील्स में देखा हूँ, मैं पहली बार अपने सामने फील कर रहा हूँ। मेरे पैर पे इसके पानी यार, इसकी जो लहरें हैं मेरे पैर को छू रही हैं, ये पहली बार है। आज से पहले यार मैंने ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं ऐसा कुछ फील करूँगा चेन्नई में, बट यार गाइस यहाँ पुलिस चलती है थार से, देख रहे हैं यहाँ पे थार से पेट्रोलिंग हो रही है। ये यहाँ की पुलिस है गाइस, थार पेट्रोलिंग चल रही है यहाँ पे। रखे हैं सेंट थॉमस चर्च, इसका है बहुत नाम सुना मैं चेन्नई में, सोचा इसको भी देख ही लेता हूँ यार। अंदर इस टाइम प्रेयर चल रही है, ये सामने अपने सेंटा क्लॉज बाबा है। कुछ बोलना भाई, से समथिंग, से हाय टू माय सब्सक्राइबर सेंटा, से हाय टू माय सब्सक्राइबर। हाय दोस्तों, क्या हाल चाल है, चैनल को सब्सक्राइब करें इनके। अरे गजब यार, क्या बात है भाई, मैरी क्रिसमस। गाइस पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो लड़ाई हुई थी पोर्शंस में, ये यहीं पे हुई थी। जो चर्च है ये पोर्शन से बनवाया था, और जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने पहली बार इनसे वॉर की तो वो जीत गए। जब वो जीत गए तो उनको आगे कॉन्फिडेंस, फिर वो चले गए
बंगाल में कहते लड़ाई, फिर वहाँ पर जीत गए वो, फिर जीतते जीतते उन्होंने पूरा पूरा इंडिया पे अपना कवर कर लिया, रूल करने लगे वो लोग। तो गाइस यार आज का तो अपना यार चेन्नई एक्सप्लोर करना हो गया, मतलब एक दो जगह हो गई अपनी यार, मज़ा आया मेरे घूम के यार, अपना MGR मेमोरियल हो गया, अपना मरीना बीच हो गया, काफ़ी अच्छा लगा, मज़ा भी आया, मस्त लोकेशन भी थी यार। अब यहाँ जा रहे हैं सीधा रूम पे अब, क्योंकि अब चलना है बाबा, खाना है खाना, सोना, कल निकलना है, कुछ काम है अपने चेन्नई में अब। तो गाइस फाइनली आज का अपने जो फर्स्ट डे था चेन्नई में हो गया कंप्लीट और एक नंबर गया है। गाइस आज का अपना तीन स्पॉट हो गया विजिट, जिसमें पहला था अपना MGR मेमोरियल, दूसरा था अपना मरीना बीच, तीसरा था अपना सेंट थॉमस चर्च। तो अपना आज का सब कुछ हो गया। और यार फर्स्ट डे चेन्नई में, लास्ट डे चेन्नई का तो काफ़ी ख़राब था, मेरे को होटल का जो एक्सपीरियंस था वो काफ़ी ख़राब था। और यार मैं तो आपसे प्रीफर ये करूँगा, बोलूँगा कि आप कभी भी ओयो से होटल बुकिंग ना करिए। इनका फ्रॉड क्या होता है कि ये बिना होटल से कंसर्न किए आपकी बोटिंग बुकिंग एक्सेप्ट कर लेंगे, उस पर अपना दे देंगे डिस्काउंट। जब आप पहुंचेंगे होटल में तो आप जो होटल के होते हैं मैनेजर, वो आपकी बुकिंग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वो मना कर देते हैं। ये चीज़ हमेशा दो बार हुई है और दोनों में बार में झेल गया हूँ। तो फाइनली ओयो से गाली गलौज बातचीत करने के बाद उन्होंने हमको दूसरा तीसरा होटल मेरे को प्रोवाइड करवाया, वहाँ मेरे को चाहे मेरा काम हुआ है। यही है कि आप होटल ओयो से मत बुक करिए। चलिए तो आज का अपना काम हो गया, फर्स्ट डे अच्छे से हो गया, अब अपना करते हैं नेक्स्ट डे कल का। अब कल का कहाँ ट्रिप का प्लान करते हैं, कहाँ कल का करते हैं विजिट, कल का देखा जाएगा। चलिए अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ आप मेरे ब्लॉग को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और अगर अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम फॉलो नहीं करते तो लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, आप बाद में इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं, 9 से 7 चले आए हैं आप लोगों से वीडियो दिखाने के लिए, इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग मेहनत करिए। बस एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक कमेंट और बहुत अच्छा लगे तो शेयर, इतना करिए बस, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। चलिए आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग, बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।